देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है, कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें, और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48-46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50-52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, एग्जिट पोल ही बता रहा है। सर, जीतने वाले कैंडिडेट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा क्या, वो रायपुर आएंगे सभी? नहीं, उनको सबको प्रत्याशियों से आग्रह किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको आग्रह करेंगे और वो सबको कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजेता हमारे प्रत्याशी हों उनको कार्यालय में पहले उपस्थित होगी, वो बुलाएंगे और उसके बाद फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। सर, जहां एग्जिट पोल हो गया, इलेक्शन हो गया, आज भूपेश बघेल जी ने एक लेटर लिखा है पीएम को कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप है उन पे बैन करिए। अब भूपेश बघेल जी जो राज्य सरकार को करना है, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जुआ सट्टा जैसे अपराध जो स्थानीय स्तर में स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है, हजारों करोड़ रुपए का महादेव दुर्ग जिले में उनके घर के बगल में हो रहा है, उनके मित्र खास लोग उस पर जुड़े हुए हैं और ये पूरी की पूरी टीम, उनके मुख्यमंत्री का सचिवालय इन्वॉल्व है, भैया तुम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते जब जो तुम्हारे बगल में बैठा है जिसका नाम ईडी ने दे दिया उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती? तो ये जुआ सट्टा के लिए राज्य सरकार के अधिकार का उपयोग मुख्यमंत्री ना करके एक बहाना रहता है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दें, आपको कुछ करना है नहीं क्योंकि आपके सब लोग हैं। ये सारे के सारे षड्यंत्र का कहीं न कहीं दिशा जो दिखा रहा है ईडी, और स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपये कहां गए हैं। सर, अभी जैसे एग्जिट पोल आ गया है उसके बाद एक बातें आती है ऑपरेशन लोटस की, वो तो अपने विधायकों पे इनका भरोसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे जो जीत के आ रहे हैं भरोसा करते हैं, उनको कार्यालय में बैठाएंगे, हमको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग हैं और उनके पार्टी ने टिकट दिया है, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, इधर ले जाओ, वहां ले जाओ, बेंगलोर ले जाओ, इधर चेन्नई ले जाओ, ये कांग्रेस करती है क्योंकि उनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है।